8 27 भी हो गए। ठीक है देखिए, कल हम लोग देख लिए थे माइक्रोस्कोप और आज पढ़ना है टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मतलब यह है कि इसका यूज जनरली हम जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होता है जैसे स्टार, मून, ऐसे प्लैनेट्स जितने भी, यानी बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए इस टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। और यह एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि लाइट के दो फिनोमिना पढ़े हो आप, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बेस पे भी टेलीस्कोप है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बेस पे भी टेलीस्कोप है। रिफ्लेक्शन जनरली आपका कहाँ होता है, मिरर में, और रिफ्रैक्शन आपके लेंस में। तो जो रिफ्रैक्शन के बेस पर जो टेलीस्कोप होगा उसमें जनरली क्या यूज होगा, लेंस, और रिफ्लेक्शन ऑफ टेलीस्कोप में जिसमें होगा उसमें मिरर होगा। तो दोनों प्रकार के, दो प्रकार के मिरर उसमें यूज होते हैं, एक कनकेव मिरर और एक प्लेन मिरर, दोनों मिरर का यूज करके बनाया जाता है, अभी आगे इसको देखा जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे पहला दिया है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, यानी ये जो वर्क करता है किसके बेस पे करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। और दूसरा जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है वो वर्क करता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। जनरली टेलीस्कोप का जो यूज करते हैं वो इस प्रकार का होता है, देखो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आपका आईपीस लेंस है। जबकि इसके पहले माइक्रोस्कोप में आप देखे थे तो ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा था और आईपीस बड़ा था, लेकिन इसमें क्या आपका ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होगा और आईपीस छोटा होगा। इससे हम चीजों को एडजस्ट करते हैं, ठीक है, ये ऊपर जो दिया है रैक इन एडजस्टमेंट जो दिया है, इससे हम उसको एडजस्ट करते हैं, फोकल लेंथ को घटाते और बढ़ाते, यानी उसको एक लाइन सीज में लाने का, स्टार वगैरह जो भी लगा होता है उसको एक लाइन में लाने के लिए यूज किया जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं, या एक लाइन ले लीजिए, एक छोटा सा पहले, इसमें क्या होता है आपका पहले बड़ा लेंस होता है, ठीक है, ये आपका बड़ा कन्वेक्स लेंस हो गया। अब एक चीज बताओ, इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है कहां होता है, बहुत ही दूर होता है, इसको मान लो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया और इसका फोकल लेंथ आपका यहां पे ले लो एफ ओ, ठीक है। पहले इससे आप इमेज बना लीजिए, ऑब्जेक्ट कहां है, बहुत दूर, बहुत दूर का मतलब इनफाइनाइट पे, ए और बी, यही होता है ना भाई टेलीस्कोप का यूज, बहुत दूर ऑब्जेक्ट जो होता है उसका, उसको देखने के लिए यूज किया जाता है। तो ये मान लो बहुत दूर है, दूर का मतलब लाइट की रेज ऐसे सीधे जाएगी, मान लो ऐसे आ रही होगी, अब यहाँ से आने के बाद ऐसे रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ से निकला है, क्योंकि पैरेलल नहीं आ रही है, ध्यान रखना, जब पैरेलल आएगी तभी फोकस से निकलेगा, तो लाइट की रेज पैरेलल तो आ नहीं रही है। और दूसरी लाइट की रेज को आप कहाँ से ले जाओगे, इसके ऑप्टिकल सेंटर से। अभी देखो इमेज कहाँ बनेगा, चूंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है इनफाइनाइट पे, तो इमेज कहाँ बनेगा इसका, इमेज जो बनेगा वो फोकस पे बनेगा, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका इसके फोकस पे हो गया। ए बी है, इसको मान लो आप ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश, ठीक। अब यहाँ पे आप दूसरा लेंस ले लीजिए, अब दूसरा जो लेंस होगा वो क्या होगा, इससे छोटा होगा, इससे आपका छोटा होगा, ठीक है। इसका एक फोकस मान लो आपका एफ आई और दूसरा फोकस मान लो क्या, एफ आई डैश, ध्यान रखना ए एफ आई डैश यहाँ होगा, एफ जीरो जो होगा, यानी दूसरा जो इसी को एडजस्ट किया जाता है, ये जो फोकस होगा इसके फोकस लेंथ के बीच में होगा। अब यह इसके लिए क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट, यह इसके लिए ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और यहां से इसकी डिस्टेंस क्या ले लो, यू ई, उसे जनरली होगा क्या,
यहाँ से जो इसका डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एफ ओ। अभी आगे हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे देखा जाएगा। देखो अब ये लाइट की रेज इसको ऐसे ले जाइए, पैरेलल ये आपका नॉर्मल हो गया, इसका रिफ्रैक्शन के बाद ये निकल गया आपका ऐसे बाहर, इसको भी आप रिफ्रैक्शन के बाद बाहर निकाल दो, इसको आगे की तरफ आप बढ़ाइए, ठीक है। ये आपका ये आके बीच में आपका यहीं पे कहीं मिल जाएगा, ठीक है। जबकि उसमें देखे थे आपका इमेज कहाँ बन रहा था, इधर माइक्रोस्कोप में, और इसमें जो होता है आपका इमेज यहाँ बन जाएगा और ये फाइनल इमेज हो जाएगा, ए डबल डैश और बी डबल डैश। यह जो इमेज बन रहा है इससे एक मिनिमम डिस्टेंस पे बन रहा है, कितने डिस्टेंस पर, कैपिटल डी, ठीक है। अब ये चीज बन के तैयार हो गया, अब इसका मैग्निफिकेशन पावर आप निकाल दो। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर एम इज इक्वल टू पढ़े हो क्या, एंगल, चलो सीधे ले देता हूँ बीटा अपॉन अल्फा, या नहीं ये रहे हो बीटा क्या है इसमें, हाँ फाइनल इमेज, फाइनल इमेज द्वारा बना हुआ और एफा आपके ऑब्जेक्ट के द्वारा, एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। तो यहाँ बीटा और अल्फा की वैल्यू निकालनी है, और इसमें आप देखो बीटा और अल्फा कहाँ है, अगर ये ऑब्जेक्ट इधर मान लिया जाए तो यहाँ पे देखो क्या बन गया, अल्फा, और यहाँ अगर आप देखो तो क्या बन गया ए, इसको आप ठीक है ए भी आपका हो जाएगा, इसको भी आप ला के यहाँ मिला लो, यहाँ क्या बन गया बीटा, तो अल्फा और बीटा निकल जाएगा ना फिर। तो अगर अल्फा निकालो टेन अल्फा, क्योंकि लेंस बहुत समीप होता है आपके तो एंगल भी बहुत छोटा बनेगा, तो उसको क्या लिख सकते हो अल्फा इजकल टू बेस, बेस क्या हो जाएगा इसमें ए डैश, परपेंडिकुलर क्या, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, देखो इसमें बन रहा है ये अल्फा, तो ए डैश बी डैश अपॉन एफ, इसको ले लेते हैं ओ, ऑब्जेक्टिव है एफ ओ, ओ ये क्या लिखा गया आर, ठीक है ए अल्फा निकल गया। बीटा की वैल्यू निकाल दीजिए आप, टेन बीटा, टेन बीटा आपका इसी में हो जाएगा, इसको मान लो आप ई, तो टेन बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगा टेन बीटा इजकल टू बीटा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ ई, एफ ओ हो जाएगा ना। अब यह वैल्यू इसी में पुट कर दीजिए, तो एम इजकल टू हो गया ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ ई इंटू, इसको आप रखोगे वैल्यू के यहाँ पर हो जाएगा एफ ओ ओ अपॉन ए डैश बी डैश, ये हो गया कैंसिल, तो एम की वैल्यू क्या आ गई एफ ओ ओ अपॉन एफ ओ ई। अब बताओ एफ ओ ओ का मतलब हो गया स्मॉल एफ ओ, फोकल लेंथ इसका हो गया, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे जब पुट कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी एम इजकल टू एफ ओ अपान, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एफ ओ ई, एफ ओ ई की वैल्यू यू, देखो यहाँ दिखा गया ना यू ई, क्योंकि इससे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो ये आपकी फाइनल फार्मूला आ गया एम इजकल टू एफ ओ माइनस यू ई, जबकि उसमें क्या आया था यू ई अपान यू ओ, भी ई अपान भी यू आया था ना उसमें माइक्रोस्कोप में, ठीक है माइक्रोस्कोप में अलग अलग निकालोगे तो आ जाएगा उसमें। अब इसका ये तो कंडीशन हो गया, इसमें अब दो तरीके की इमेज बनता है, पहला इमेज कहाँ बनेगा फर्स्ट, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो इनफाइनाइट पर, नहीं इमेज कहाँ बने इनफाइनाइट पर, ऑब्जेक्ट तो इनफाइनाइट पर ही है, इमेज कहाँ बनेगा इनफाइनाइट पर। अभी की बताओ यह फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे कब बनेगा, जब जब यह इमेज कहाँ बने एफ ई, यानी जो ऑब्जेक्ट है कहाँ हो एफ ई डैश पे, मतलब ये है कि अगर इसको इमेज अगर बनाओ तो एक तो आपका हो गया ही इससे, चलो लाइट की रेज ऐसे गई ऐसे निकल गई, दूसरी लाइट की रेज आप ले गए, ये इमेज जो बना है
यह इमेज कहाँ बनना चाहिए? अब यहाँ पे आपका एफ ओ हो गया और यहाँ पे क्या है एफ आई, और ये दूसरा आपका लेंस हो गया। ये दूर निकलेगा, ये आपका कहाँ मिलेगा? इनफाइनाइट पे। ये कब बनेगा? जब यू ई की वैल्यू क्या हो जाए एफ आई, यानी यहाँ पे जो यू ई है या इमेज कहाँ बन जाए एफ आई डैश पे, एफ आई डैश पर, यानी ये आपका एफ आई डैश है, यानी पहला आपका हो गया कब, इसका हेडिंग लिख लो व्हेन इमेज फॉर्मेट एट इनफाइनाइट। तो उसके लिए यू ई की वैल्यू क्या हो जाएगा एफ आई, यू ई की वैल्यू एफ आई हो जाएगा, और तब यहाँ पे एम की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस एफ ओ अपान एफ आई, एफ ओ अपान एफ आई। और इस कंडीशन में जब इसका लेंथ निकालोगे किसका, इस माइक्रोस्कोप का टेलीस्कोप का, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पे अगर आप लिखो यहीं से आ जाएगा आपका, अगर यहाँ से इसका लेंथ लिखते हो तो एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से यह डिस्टेंस एफ ओ प्लस यू ई, यही हो जाएगा मेन फार्मूला, ठीक है, एफ ओ प्लस यू ई, एफ ओ प्लस यू, यही दोनों लेंथ के बीच का लेंथ होता है। बाकी जब यहाँ पे जब आप निकालोगे तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ओ तो रहेगा ही प्लस यू की जगह क्या कर दोगे एफ ही कर लेंगे बस, क्योंकि न्यूमेरिकल जब देता है तो उसमें टेलीस्कोप का लेंथ या माइक्रोस्कोप का लेंथ भी पूछ देता है, ठीक है, ये आपका एफ ही हो गया, ठीक, कोई दिक्कत। नेक्स्ट हो गया आपका जब इमेज कहाँ बने, मिनिमम डिस्टेंस पर बने, मिनिमम डिस्टेंस पर, मिनिमम डिस्टेंस का मतलब वी इक्वल टू क्या माइनस डी, ठीक है, तब उसके लिए फार्मूला रखोगे वन अपान एफ आई इक्वल टू, चूंकि ई क्यों लेते हैं, क्योंकि फाइनल इमेज हमेशा आई पी से बनता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वन अपान माइनस डी माइनस माइनस प्लस वन अपान यू ई, इसको इधर ले आओगे क्या हो जाएगा वन अपान एफ आई प्लस वन अपान डी इक्वल टू वन अपान यू ई, ठीक है। अब अगर इसमें एफ आई से मल्टीप्लाई कर दो और एफ आई से डिवाइड कर दो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है वन प्लस एफ ई अपान डी, और वन अपान एफ ई क्या ले लो कामन, यहां पे एफ ई से डिवाइड किया गया और एफ ई से मल्टीप्लाई और एफ ई से डिवाइड, तो एफ ई बाहर हो जाएगा और ऊपर बच जाएगा ना एफ ई अपान डी इजकल टू वन अपान यू ई, समझ लो कैसे हुआ, क्योंकि वहाँ पे किताब देखोगे तो वहाँ पे कन्फ्यूजन कहाँ से दिख दिया, तो यहाँ पे एम की वैल्यू फिर क्या हो जाएगा एम इजकल टू माइनस एफ ओ तो है ही इन टू यू ई की वैल्यू जब रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ आई, और यहाँ क्या हो जाएगा वन प्लस एफ आई अपान डी, तो ई आपका, तो आपका फार्मूला हो गया जब इमेज कहाँ बने मिनिमम डिस्टेंस यानी नियर पॉइंट पर बना है, और जब नियर पॉइंट पर बनता है तो वहाँ पे जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो कभी कभी ये आता है ना कि ऐसे डिस्टेंस निकालिए जब आँख को मतलब रिलैक्स हो, तो रिलैक्स का मतलब है कि यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा तो विजिबल एंगल बहुत छोटा बनेगा, तो वहाँ पे जो मैग्नीफाइंग पावर होगी वो कम होगा, तो जब कम होगा तो आँख जो होती रिलैक्स मोड में होती है, मतलब यह है कि जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा उस कंडीशन में आप जो आई होती है वो रिलैक्स में होता है, यानी मैग्नीफाइंग पावर अगर कम है तो आँख रिलैक्स में, और स्ट्रेस में कब होगा जब इमेज हाँ नज़दीक में होगा तो वहाँ पे स्ट्रेस होता है, तो कभी कभी क्वेश्चन के रूप बदल देता है, क्वेश्चन में देखोगे भी किताबों में तो उसमें दूर और नज़दीक न देकर आँख रिलैक्स मूड में हो या फिर स्ट्रेस कब होता है, तो उस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया, तो ये आपका हो गया नियर पॉइंट में, और इसमें मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो एक बार फिर देख लो इसको पूरे, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आर यूज टू व्यूज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट लाइक स्टार मून प्लैनेट इटीसी जो भी है, ये दो प्रकार के हो गए, पहला रिफ्रैक्शन
रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप हो गया जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर वर्क करेगा, और दूसरा हो गया रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर वर्क करेगा। अभी इसको देखा जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखिए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप या सिंपल सा ऐसे इस प्रकार का होता है। इसमें देखो ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया और ये आईपीस हो गया, और इससे हम स्टार से मतलब जो लाइन होती है ऑब्जेक्ट को नज़दीक या दूर करने के लिए सेटअप करते हैं उसको, यानी फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं, ये पिन जो ऊपर दिया है। तो इस तरह के आपका जनरली जो यूज करते हैं, ठीक, इस तरह का होता है। तो लेकिन इसका वर्क कैसे करता है, इसका वर्क आप यहाँ से देख लो, ठीक। माइक्रोस्कोप में ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है, टेलीस्कोप में ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। माइक्रोस्कोप में देखे होंगे इमेज आपका बाहर बनता है, और इसमें आपकी इमेज इन दोनों के बीच में बनता है। माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट नज़दीक होता है इसलिए लाइन पैरेलल जाती है, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट आपका दूर है इसलिए लाइट पैरेलल नहीं जाएगी। अब पैरेलल जब नहीं जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बाद फोकस होकर नहीं जाएगी, ठीक है, पहले से जाएगा। और इमेज आप कहाँ बनेगा, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो हमेशा इमेज इसी के फोकस पे आके बनेगा, ठीक है। बाकी इसको पीछे बनाओ, दे फाइनल इमेज बन गया, या इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा यू ही हो गया, यहाँ पे बन गया आपका अल्फा, ठीक। तो अल्फा के लिए आप ले लिए पूरा ट्राइंगल, और बीटा के लिए आपका ये ट्राइंगल हो गया। अल्फा बीटा दोनों निकाल दिए, वैल्यू रख दिए, तो सिंपल से फार्मूला आ गया, ठीक है। बाकी इनफाइनाइट के लिए ये हो गया, और मिनिमम डिस्टेंस के लिए ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, चूँकि चलो इसको देख लेते हैं फिर एक पेज, रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर भी यही देख लेते हैं, रिफ्लेक्शन कैसे वर्क करता है उसका। हालांकि एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन जनरली देख लो। उसमें क्या होता है ना कि ये आपका जो आई पीस होता है, लेंस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक। यहां पर एक कन्वेक्स मिरर लगा रहता है, कन्वेक्स नहीं कनकेव, क्या है, कनकेव है। यहां पर मान लो क्या है, ऑब्जेक्ट ए और बी। अब यहां से लाइट की रेज आके इस पे स्ट्राइक करती है, एक लाइट के लिए यहाँ आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे आती है। तो यहाँ पे क्या लग रहा था, एक प्लेन मिरर, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर ये भी लाइट के लिए जाके यहाँ स्ट्राइक करेगी, ये दोनों रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे आएगा, ये दोनों आके कहीं गड़बड़ हो गया, ज्यादा छोटा कर दी इसको, कहाँ है गड़बड़ हो रहा है, हाँ सही कह रहे हो, हम क्या कर रहे हो, ठीक है। इस मिरर को और सीधा कर दिया, ठीक है। जहाँ कटा वहीं क्या बन गया, इमेज ए डैश बी डैश, अब छोटा हो चाहे बड़ा हो, अब इसको हमको बड़ा थोड़ा बनाना पड़ेगा, हाँ डायनासोर की तरह, इसका अरे तो ठीक है। अब ये लाइट की रेज इसमें आएगी दोनों, अभी बड़ा करना पड़ेगा,
चलो ये समझ में आ रहा है ना, ये लाइक करिए, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद आके इससे भी स्ट्राइक करेंगे, यहाँ से भी रिफ्लेक्शन होगा। अब दोनों आके यहाँ पे इमेज बना, ठीक है, चलो यहाँ इमेज बना। अब यह आप क्राइम गड़बड़ हो रहा है आज, यह जो ऑब्जेक्ट होगा, देखो यह जो इमेज बन रहा है यह क्या होगा, इसके लिए जो यहाँ पे है यह क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इसके लिए आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा, इस आई लेंस के लिए। यहाँ तो ये समझ पा रहे हो ना कैसे हुआ, ये लाइट किरे यहाँ स्ट्राइक किया किससे मिला। अब यहाँ पे जो लाइट किरे जा रही है ये कहाँ से गड़बड़ हो रहा है सब, चलो नहीं ठीक, तो यहाँ से जो रिफ्रैक्शन होती है, रिफ्रैक्शन के बाद आके कहीं बाहर पे यहाँ पे पूरा बड़ा ए डबल डैश और बी डबल डैश के रूप में ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, हाँ ऊपर, अरे यहाँ से देख रहे हो तो ऑब्जेक्ट जो छोटा था यहाँ पे ऑब्जेक्ट अब यहाँ दिखाई देगा बड़ा, तो इस हाँ ये यहाँ रिफ्रैक्शन के बाद देखो ये लाइट की यही तो आ रही है ना, यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट किरे जहाँ मिलेगी आके इसी को आगे की तरफ आप बढ़ा रहे हो, जहाँ आके मिल रहा है वहीं तुम्हारा बनेगा ना इमेज, फिर ये तो चीज़ है, ये केवल समझो ऐसे, तो ये इस बेस पे काम करता है, इसीलिए इसमें ये रिफ्लेक्शन थ्रू हो गया ये, लेकिन इसका जो मैग्नीफाइंग पावर है सेम सब कुछ यही है, फार्मूला यही है सेम, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं होना, बस इसमें जान लो कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है, दो मिरर हो गया कन्वेक्स कनकेव और प्लेन, ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट होगा यही इसके लिए, ये जो इमेज होगा इसके लिए ऑब्जेक्ट का कहलाएगा, और बाकी जाके बन जाता है बस ऐसे ही, हालांकि ये आता होता नहीं है लेकिन जान लो ऐसे ही, जनरली बता दिया हूँ जानने के लिए, ठीक, बाकी क्लास में अच्छे से बनाए ही होगे, हाँ दिखाओ इसे, बनाए दो ठीक से, हाँ इतना अच्छा बनाए हो, ठीक तो वही तो बना है लेकिन अच्छे से नहीं, मतलब देखो अच्छा इमेज कहाँ बना है, देखो फाइनल फाइनल इमेज कहाँ है, अखिया यहाँ है, भैंसों का, भैंस का, ठीक है चलो कोई बात नहीं, चलिए नहीं देखिए लिमिटेशन आप, अरे कोई ना ठीक है, अरे देखो इसको ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन एंड रिसॉल्विंग पावर, तो इसमें क्या होता है, देखो दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यानी मिनिमम डिस्टेंस जिस लेंस से अधिक मेजर होगा, जैसे मान लो देखो इनके बीच का डिस्टेंस कुछ अधिक है, यहाँ पे डिस्टेंस कम हो रहा है दोनों लगभग, इसमें बिल्कुल कम हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि देखो दिखा द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट एट विच कैन सीन सेपरेट बाई एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कोई ऑब्जेक्ट कितना नजदीक उसके बीच का डिस्टेंस जिस लेंस से जिस इंस्ट्रूमेंट से आप सेपरेट कर पाते हैं उसका रिसोल्यूशन पावर यानी लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन अधिक होता है, इसका मतलब यही हो गया, देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपके फिगर है, फिगर के हिसाब से आप समझिए, देखो यहाँ पे आपका अधिक डिस्टेंस है, यहाँ और कम हो गया, यहाँ एकदम मिनिमम हो गया, ठीक है, तो इसका लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन अधिक है, ठीक है, इन दोनों लेंस से आप फिगर से आप चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। अब जो लिमिट जो रिसॉल्विंग पावर होता है इसी का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, इसका उल्टा का मतलब हो गया द पावर ऑफ एन, यहाँ पर लिख दी है रिसॉल्विंग पावर इज इक्वल टू वन अपॉन लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन, डिफिनेशन आप पढ़ लो, द पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉर्म सेपरेट इमेज ऑफ टू क्लोजली प्लेस्ड, हाँ ये भी छूट गया यहाँ पे भी आई एन यहाँ लिखा हूँ देखो
यहाँ पर लिखा हुआ ना रिसॉल्विंग पावर, वन अपॉन लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन। ये सिंपल सा डिफिनेशन होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, लेकिन इसके बेस पर हम लोग टेलीस्कोप का और माइक्रोस्कोप का फार्मूला लिखेंगे। तो आप टेलीस्कोप का बताओ क्या हो जाएगा, समझे इसका मतलब क्या हो गया ना, उसी का अपोजिट हो गया। टेलीस्कोप का बताओ भाई, लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन का फार्मूला बताओ। अभी जो बताया हूँ वो तो सिंपल सा मतलब डिफिनेशन हो गया। टेलीस्कोप के लिए फार्मूला आपको बताइए, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का क्या होगा। रिसोल्यूशन हेडिंग लिखा हूँ ना यार, नहीं पढ़े हो क्या इसको, ठीक है। देख लो इसमें टेलीस्कोप का जो होता है इसको जनरली हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, थीटा से। यह डिपेंड करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि जो वेवलेंथ लाइट का होता है, लाइट की वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा जो होता है यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑब्जेक्ट के डायमीटर का। जब दोनों को आप मिला दोगे तो क्या मिल जाएगा, थीटा प्रोपोर्शनल टू लेमडा अपॉन डी, और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये कॉन्स्टेंट लेमडा अपॉन डी। सी मतलब के है, जहाँ सी की वैल्यू होता है 1.22। तो इसलिए थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 1.22 लेमडा अपॉन डी। ये आंसर हो गया, ये फार्मूला देखो दिया होगा किताबों में, 1.22 लेमडा अपॉन डी, कैसे नहीं दिया। ठीक है, थीटा इजकल टू क्या हो गया, 1.22 लेमडा अपॉन डी। जबकि सॉल्विंग पावर जब लोगे तो इसका रिसिप्रोकल हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, पावर पावर हो जाएगा 1 अपॉन थीटा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी डी अपॉन 1.22 लेमडा। पेपर देखो नीट का यार, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ फार्मूले पर। ठीक है, तो ये रिसॉल्विंग पावर का क्या होता है, अभी देखे उसके पहले कि जो रिसॉल्विंग पावर, रिसॉल्विंग जो पावर होता है लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन का रेसिप्रोकल होता है। तो 1 अपॉन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, डी अपॉन 1.22 लेमडा। अब देखिए माइक्रोस्कोप का, यहां बन गया अल्फा, ये भी बन गया अल्फा। तो इसका आप कैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू, इसको भी थीटा से, यानी ये माइक्रोस्कोप के लिए आप लिमिटिंग लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन निकाल रहे हो, थीटा इजकल टू लेमडा। ठीक, और थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये जो सॉलिड एंगल बन रहा है, 1 अपॉन कितना होगा, 2 अल्फा, अल्फा और अल्फा 2 अल्फा। अब यहाँ पर जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये भी हो जाएगा सी लेमडा अपॉन 2 अल्फा, या थीटा इजकल टू 1.22 लेमडा अपॉन 2 अल्फा। लेकिन यहाँ पे एंगल अगर बड़ा है तो थीटा इजकल टू हो जाता है 1.22 लेमडा अपॉन 2 sin अल्फा। ठीक है, ये एंगल बहुत छोटा है तो 2 अल्फा, और एंगल अगर बड़ा हो जाएगा तो 2 sin अल्फा एंगल की वैल्यू दिया रहेगा। तो अब बाकी अगर मान लो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि लाइट की रेज मान लो जो आ रही है उसका वेवलेंथ कितना है लेमडा, और आफ्टर रिफ्रैक्शन उसका क्या हो गया, लेमडा डैश हो गया। मान लो रेयर, मतलब रेयर मीडियम से आ रहा है एयर से, तो लेमडा होगा, और जब किसी मीडियम में आएगा तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगा ना, तो लेमडा डैश। लेमडा का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन होता है, नहीं बताओ फार्मूला क्या होता है। जैसे मान लो ठीक है आपका रेयर मीडियम में क्या है लेमडा, और किसी मीडियम हो गया लेमडा डैश, दो वैल्यू दे दिया है, और कहा जाए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो तो क्या बताओगे, खत्म।
एन इजकल टू नहीं पढ़े हो यार, आप क्या पढ़े हो, सी अपान भी पढ़े हो ना, तो इसके जगह क्या लिखोगे, एफ इंटू लेमडा नाट, और इसके जगह एफ इंटू लेमडा, एफ सब कैंसिल लोग बताए देते, लेमडा नाट अपान लेमडा इजकल टू एन, तो एन इजकल टू क्या हो जाएगा, लेमडा अपान लेमडा डैश, क्योंकि ये मीडियम का आपका वेवलेंथ है, और ये एयर का होगा, चेयर एयर मीडियम से आ रहा होगा, तो लेमडा डैश इजकल टू क्या हो जाएगा, लेमडा अपान एन। तो अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मान लो अगर दे दिया हो, तब आपका थीटा इजकल टू हो जाएगा यहाँ पे 1.22 लेमडा अपान 2n साइन अल्फा। तो ये आपके इसके रूप में फार्मूला हो गया, बस ये जानो थीटा प्रोपोर्शनल टू लेमडा और थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, इसमें एंगल के रूप में निकालते हैं क्योंकि सॉलिड एंगल होता है, और इसमें आपका ये डायमीटर है, डी क्या है, डायमीटर है किसका, ऑब्जेक्ट का, ठीक है, डायमीटर हो गया, ठीक, ये आपका हो गया इसका, बाकी इसके रिसॉल्विंग पावर निकाल दो इसका, तो पावर क्या हो जाएगा इसका, सिंपल सा 2 साइन अल्फा अपन 1.22 हो जाएगा ना, 1.22 लेमडा, ठीक, या 2n साइन अल्फा अपन 1.22 लेमडा, ठीक। इसके बाद लास्ट में एक छोटा सेटिंग पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये जीएस का क्वेश्चन है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, खत्म हो गया ना चैप्टर तुम लोगों का, तो बता क्या है, ये तो माइक्रोस्कोप है, तो माइक्रोस्कोप में तो इलेक्ट्रॉनिक आज का सबसे यूजफुल है, ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, ये काम करता है डी ब्रोगली इक्वेशन पे, डी ब्रोगली इक्वेशन पे, डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होता है बताओ, पढ़े थोगे ना, ये डी ब्रोगली इक्वेशन बताओ क्या होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है ये बताओ, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला बता दो फटाफट, एच क्या है उसमें, लेमडा इजकल टू एच अपान एम बी, वही पी हो गया, अच्छा एच की वैल्यू क्या होती है, जूल पर जूल सेकेंड, ठीक है, ए लेमडा इजकल टू, ये पढ़े हो आप डी ब्रोगली वेवलेंथ, अगर मान लो कि ये जो वेव्स है किसी स्पीड से चल रहा हो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इंटू भी का पड़े हो इसके पाले, ठीक है, तो भी इज कल टू क्या हो जाएगा, अगर इससे निकालो तो इन दोनों को अगर लो तो भी इज कल टू हो जाएगा अंडर रूट टू ई भी अपान एम हो जाएगा ना, अगर ये वैल्यू इसमें पुट करो एच अपान एम अंडर रूट टू ई भी अपान एम से मल्टीप्लाई कर दो और एम से डिवाइड कर दो, तो लेमडा इज कल टू क्या हो जाएगा, एच अपान केवल यहाँ क्या बच गया, अंडर रूट टू एम ई भी, केवल यही बचा, बोलो बचा ना, केवल आपका यही बचा, इसकी पूरी वैल्यू रख के एच की वैल्यू रखो, इलेक्ट्रॉन का मास रखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखो, तो एक फार्मूला तुम्हें मिलता है, उस फार्मूला की वैल्यू क्या होती है, लेमडा इज कल टू जो फार्मूला आएगी, ठीक है, इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, लेमडा इज कल टू 150 अपान भी मिलेगा इसमें, यानी थीटा जो हो रहा है देखो यहाँ पे, थीटा प्रोपोर्शनल टू उसमें क्या था, लेमडा किसके लिए, टेलीस्कोप के लिए, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों के लिए, प्रोपोर्शनल टू 1 अपान अंडर रूट भी ए, दोनों के लिए ध्यान दो, ए आपका सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए क्या था, थीटा प्रोपोर्शनल टू लेमडा,
और इसमें क्या हो जाएगा थीटा इन आपका वन अपान रूट भी के, देखो इसको लिखोगे ना वन अपान रूट भी, तो ये आपका मेन कंक्लूजन है थीटा प्रोपोर्शनल टू लेमडा या थीटा प्रोपोर्शनल टू वन अपान रूट भी, भी क्या वोल्टेज है ध्यान रखना भी वोल्टेज है, यहाँ पे सब वैल्यू रख के हल लोगों करोगे ना तो वही आएगा वैल्यू। तुम कुछ और लिखे हो क्या देखे? पांच सौ का रूट 12.62 कैसे होगा? हाँ 22 जाएगा, जबकि 150 का उतना होगा 12.27। सही कर लो उसको, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, कल इस पे हम लोग न्यूमेरिकल लगा लेंगे। ये आपका क्या था, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, ध्यान रखना। एक केवल इसका प्रिंसिपल याद रखो, पूछ देता है डी ब्रोगली, हाँ वेवलेंथ वाला जो उसका थियरी उसी पे वर्क करता है। Thank you.